गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी होने वाले हैं 10,000। बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं सोच के कि भी मेरे 10,000 ये बहुत मतलब अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं पर्सनल मतलब मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मेरे 10,000, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट हो रहा है। तो मैं अभी दिखाती हूँ कितने हो गए हैं। मतलब मैंने रिकॉर्ड की थी, कोशिश की थी कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बट आई डोंट नो कि मैं रिकॉर्ड कर पाई या नहीं। बट मुझे लग रहा मैं मुश्किल ही रिकॉर्ड कर पाई। मैं थी स्क्रीन के सामने, तो मैं यहाँ पे वो क्लिप डाल दूंगी। मैं दिखाती हूँ अगर मैं कहीं से रिकॉर्ड कर पा रही हूँ तो कुछ। अब मैं आ गई हूँ कीर्तन से घर। मैंने 10 के रिकॉर्ड किया, बट वो एक्साइटमेंट इतनी थी कि कुछ कुछ रिकॉर्ड हुआ और कुछ नहीं हुआ। बट थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप लोगों के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। इंस्टाग्राम फैमिली एंड यूट्यूब, आप दोनों पिलर हो जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। देन मेरे हस्बैंड इन लॉज एंड मेरे मायके में मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, सब मेरे देवर, सब के सब। आप लोगों के बिना ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने ही स्टार्टिंग में मुझे इंसिस्ट किया था कि प्लीज़ यूट्यूब बनाओ, और मुझे यूट्यूब पे आना था। स्टार्टिंग से ही मुझे यूट्यूब पे आना था। मैंने काफ़ी सेविंग भी कर रखी थी यूट्यूब के लिए, बट वो डिफरेंट लाइन थी मेरी, व्लॉगिंग की डिफरेंट लाइन हो गई। और मुझे सीरियसली इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। आई वॉज लाइक कि आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, वरना मैं बिल्कुल नहीं होती। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग। आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था और नहीं है। 10K हो गए हैं एंड आई वॉज लाइक कि मुझे अब तक भी विश्वास नहीं हो रहा कि सच में ऐसा हो गया है। अभी तो बस फटाफट फाइनली 50K एंड 1 लाख, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम मैं बहुत परफेक्ट रिकॉर्ड करूंगी। इस टाइम भी मुझे करना था, बट वो जितना जल्दी हो गया कि मतलब हम समझ ही नहीं पाए कि कब हो गया। ऐसे मतलब 10-12 की गैप था, लेकिन बहुत जल्दी वो कवर हुआ, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया, थोड़ा सा ही रिकॉर्ड हो पाया। Keep supporting and keep blessing. Please मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो, ऐसे ही प्यार दो। सब कुछ आप लोगों के साथ ही होना है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। और आज मैं गई थी कीर्तन में, क्योंकि जहाँ मैंने कल फंक्शन दिखाया था उनके घर पे कीर्तन था। आपने आउटफिट तो मेरा देख ही लिया होगा। अभी देखते हैं रात को या तो कहीं बाहर चलेंगे या फिर कुछ सेलिब्रेट करेंगे। जो भी करेगा मैं सब आपको दिखाऊंगी एंड पोस्ट करूंगी। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। कीर्तन में से आने के बाद मैंने किया रेस्ट। आज मैंने पूरे दिन साड़ी पहनी है, मैंने चेंज नहीं की, पूरा दिन ही मैं पहन रही हूँ आज। मैंने सुबह ही कहा था कि मैं आज रात तक पहनूंगी, आज संडे है, अच्छा अच्छा लगता है ऐसे ना तैयार होके घूमना। और अब हो गई है शाम, मम्मी कर रही है किचन में काम, और मैं जैसे हमेशा करती हूँ व्लॉगिंग। और मम्मी कर रही है घी, मक्खन निकाल रही है मम्मी, और मैं कर रही हूँ व्लॉगिंग। तो कुछ ऐसा सेलिब्रेशन का मेरा मन भी नहीं था, क्योंकि मेरी लास्ट 2 दिन से जब से मैंने लगन अटेंड किया, तो मैंने कुछ ज़्यादा डांस कर लिया था या फिर पता नहीं क्या ही था। 2 दिन से बहुत तबीयत खराब थी, तो आज ही मुझे बहुत तक खांसी है, ऐसे फीवर टाइप में भी लग रहा है। तो मैं देखूंगी कि अभी कुछ सेलिब्रेट करेंगे या नहीं, वरना सब्जी भी हमने बना ली है, वो बनाएंगे खाना।
और मैंने Q&A पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, जितने Q&A के आंसर आएंगे मेरे पास, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे वो सब हम करेंगे Q&A, मम्मी पापा और हम पांचों करेंगे Q&A, इसके बाद डालूंगी मैं वो वाली वीडियो। तो अभी ऐसा मेरा कोई सेलिब्रेशन का आज मन है नहीं, लगता है मेरे हस्बैंड आ गए, दिखाती अभी खोलते हैं बैल। तो Q&A में आप लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो थोड़ा और ज्यादा पूछो, जितना तुम लोगों के क्वेश्चंस थे पहले से ही, यही है। और सेलिब्रेशन ना करते करते भी ये केक ले आए हैं, इतना बोल रहा है कि सेलिब्रेशन नहीं करना है, नहीं करना है, सभी बीमार है, उसके बाद भी ये केक ले आए हैं। थैंक गॉड कि चीनी चीनी नहीं लिखवाया, 10K ही लिखवाया है। अभी देख लो, आप दिखा था ना वो वाला केक, अच्छा लगा है, रेड वेलवेट वाला बढ़िया लग रहा है, 10K चीनी बढ़िया लग रहा है ना। तो आ गया है केक, बिल्कुल मेरा मन नहीं था और ऐसा था, तबीयत भी खराब थी मेरी और हस्बैंड की और मेरी, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ले आए हैं मेरे लिए केक, हेयर बैंड लगा के बैठे हुए हैं। मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों की ही प्लानिंग थी केक की, और बहुत अच्छा लग रहा है, यूट्यूब का सिंबल भी बना है, थैंक यू, वेलकम। मतलब फाइनली ये तो मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज थी, मजा आ गया मुझे तो एकदम देख के, केक बहुत ही बढ़िया लग रहा है, थैंक यू, थैंक यू, अच्छा लग रहा है अपने टीवी पे अपने आप को देखकर, वो भी 10.6, मजा ही आ मतलब ये ना बहुत, आप ये बोल सकते हो ये पता नहीं कितना मतलब ड्रीम है एक तरह, जैसे मेरी शादी का सपना था ना मेरे लिए बहुत दिन से, कि मेरी शादी हो, ऐसे हो वैसे हो, वैसे यूट्यूब का सपना भी मेरे लिए बहुत दिन से था, मतलब मुझे लग रहा है 2 साल से, कोविड के बाद मैंने सोचा स्टार्ट किया था कि मैं यूट्यूब करूंगी, 2 साल लगे मुझे यहां तक पहुंचने में, और लिटरली 1 महीने में आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और ब्लेसिंग दी है, मैं जितना बोलूं उतना कम है, और मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरा पेज है, मेरे पास 10.6K हो चुके अभी, दोपहर में हुए थे 10K, अब मिलते हैं मम्मी से। हाँ मम्मी, फिर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वेलकम टू आवर Q&A, तो ये वाली वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे कि आप क्वेश्चन पूछो 10K होने की खुशी में मेरे इन लॉज से और मेरे हस्बैंड से, तो भर भर के क्वेश्चन मेरे पास आए, बट कुछ ही हमने सेलेक्ट किए थे उसमें से, तो वो मैं पूछूंगी क्वेश्चन और आंसर्स देंगे मेरे इन लॉज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी कैसा लग रहा है दीदी के 10K कम्प्लीट होने के बाद? बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही खुशी हो रही है, बच्चे ने इतनी मेहनत की है उसको कामयाबी मिली, इससे ज्यादा क्या बोलूं। ओके पापा, यस, अब सेम क्वेश्चन पापा के लिए पूछा है कि आपके इन लॉज को कैसा लग रहा है कि आपने जल्दी अचीव कर लिए है 10K यूट्यूब पे? बहुत बढ़िया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू पापा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए तब आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट की? चैलेंजेस सबसे पहला तो ये है कि हम रूरल एरिया में रहते हैं, यहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग है, इसमें हमें कई तरीके की बातें सुनने को मिली कि भाई नई नई बहू आई है, इसको इतना खुला वो क्यों कर रखा है, ये वीडियो क्यों बनाती है, गांव में ऐसा नहीं चलता, और कुछ ऐसे भी थे जो भाई सपोर्टिव भी थे, सपोर्ट कर रहे थे, खुश भी थे कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, कि भाई बहू भी तो बेटी होती है, तो हमने किसी की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, हमने बच्चे को यही कहा कि बेटा जो तेरा दिल करे तू वो कर, जो चीज तेरे को अच्छी लगती है तुम वो कर। तो बेसिकली चैलेंजेस थे रिलेटिव भी आप बोल सकते हो, या नियर बाय जो हमारे लोग रहते हैं, या बेसिक क्या होता है ना, जो बाहर आप लोग हैं आप लोग हमेशा प्यार ही दोगे,
जो इंसल्टिंग वाले जो पॉइंट होते हैं वो नियर बाय के लोग ही ऐसा देंगे कि जो डिमोटिवेट जो आपको करेंगे वो सोसाइटी में डिमोटिवेट करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, नेबर्स और रिलेटिव ज्यादातर। बट सब कुछ फेस करने के बाद आज हम कहाँ पे है? 10K और YouTube 140K और इंस्टा। और इस मैं अगर बेसिकली अपनी तरफ से बोलूं तो मुझे तो नहीं पता लोग बाहर क्या बोलते हैं, मैं तो सिर्फ इंस्टा पे आप लोगों के प्यार और ब्लेसिंग ही लेती रहती हूँ, लेकिन जो बाहर की नेगेटिविटी है वो सब लेते हैं मेरी मम्मी और पापा, इन लॉज ही लेते हैं। और अगर ये सब पॉसिबल भी हुआ ना 10K, अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल भी रही हूँ सामने, तो ये सब भी मम्मी पापा की वजह से है। क्योंकि ऐसा होता है हस्बैंड तो सपोर्ट सबके कर देते हैं, हस्बैंड तो चाहते हैं कि भाई वाइफ आगे हो, बट कहीं ना कहीं जो हमारी सोच होती है वो इन लोग से मैच नहीं कर पाती है शादी के बाद। पहले तो शादी के बाद नहीं कर पाते, बट मेरी बहुत ज्यादा सोच मैच हो गई मेरे इन लोग से, तो इन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे इन सब काम से, और मुझे पूरा टाइम भी देते हैं अपना सारा काम करने का। तो मैं बोलना चाहती हूँ थैंक यू मम्मी और पापा मेरी तरफ से, क्योंकि अगर मेरे चार पिलर है तो एक पिलर मेरे इन लॉज ही है, और हस्बैंड तो वो है ही एक पिलर जो सो जाते हैं रात को, मैं एडिट करती रहती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने तब अपने घर पे बताया था कि ऐसे ऐसे हम शादी करना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन था पहला आपके इन लॉज का? ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये हमारा ही दिल जानता है कि हमने क्या क्या फेस किया है, कैसे कैसे करके, बस कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। अपनी फैमिली को हमने राजी किया किसी तरह, चलो कोई बात नहीं भाई, दोनों बच्चे हैं ठीक है भाई, इनकी राज्य में हमारी राज्य। और उसके बाद रिश्तेदार भी भाई ज्यादा हो गया है, पर सारे माने, एंड ऑफ सब माने, कोई बात नहीं ठीक है। लेकिन हमें अब इस चीज का 1% भी वो नहीं है कि भाई हमने इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों की, हम बहुत खुश हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा था, मतलब स्टार्टिंग से तब पता चला था कि इंटरकास्ट मैरिज है, तो बहुत पूछा गया था स्टार्टिंग से ही कि अगर हमें अपने घर वालों को मनाना हो या हम अपने घर पे कैसे बात करें कि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे मान जाए। मेन इंटरकास्ट मैरिज के लिए था ये क्वेश्चन बेटा। हम तो यही बोलेंगे कि भाई ऐसा कदम कोई भी बच्चा ना उठाए, क्योंकि माँ बाप के बहुत सपने होते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही माँ बाप सपने संजोने शुरू कर देते हैं। हम आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं देंगे, और हर पेरेंट्स की सोच एक जैसी नहीं होती बिल्कुल, लेकिन ठीक है अगर बच्चों की यही ठीक है भाई, आपस में साथ पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन बढ़िया अगर है उनका, तो फिर वो इंटरकास्ट मायने नहीं रखती। लेकिन उसके लिए बच्चों का अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर आप अपने फैमिली में कोई चीज डिस्कस भी करते हो बताते भी हो, तो आपके पेरेंट्स का पहला सवाल ये होगा कि भाई बच्चा करता क्या है, और अगर आप ये बोलोगे कि बच्चा तो बेरोजगार है या भाई ऐनी गलियां काटता घूमता है, तो किसी के भी पेरेंट्स इतने पागल नहीं है कि वो अपने बेटे को या बेटी को कुएं में धक्का देंगे। बेटा मस्त है। तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को मनाना चाहिए या फिर डिस्कनेक्ट? जहां तक हो सके पेरेंट्स की मर्जी से शादी करनी चाहिए, अगर वो नहीं माने तो मनाना चाहिए, नहीं माने तो मनाओ, कोई अपने आप गलत डिसीजन मत लो, कोशिश करो लास्ट तक, कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। और जरूरी है इंटरकास्ट मैरिज करनी ही है ना, अगर सामाजिक विवाह होता है वही बेस्ट होता है, बावजूद उसके अगर बाई चांस करना पड़ जाए तो दोनों फैमिलीज को साथ आके मिल के और उसको यस कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे देवर क्या करते हैं, तो उन्होंने अभी क्या किया हुआ है? बी फार्मा किया हुआ है, और वो एम फार्मा की प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, तो वो घर पे नहीं है, अगर वो होते तो जरूर आपके साथ यूट्यूब पे भी बैठे होते, बट वो भी है नहीं।
और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत लंबी हो जाएगी वरना वीडियो, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोग भी आया करो यूट्यूब पे, आप कितना आपका मन करता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम बनाने का, पहले से ज्यादा मन करता है या कम? ज्यादा बेटा मेरा ज्यादा करता है। पापा की जो मेरी वीडियो थी ऐसे बस बेसिकली हम, मैं पानी ही देने जा रही थी, कुछ नहीं था उसमें, उसमें कितने भी उसे 4.5 मिलियन, मतलब कि 45 लाख लोगों ने वो देखी, और ऐसा मतलब कुछ था ही नहीं उसमें, लेकिन फिर भी वो बहुत चली। और मम्मी तो सब बनाती है मेरे साथ, तो मम्मी आपका ज्यादा मन करता है पहले से या फिर ऐसे जबरदस्ती होती है आपके साथ? नहीं, शुरू शुरू में काफी शर्म आई थी, जबरदस्ती हो गई थी, और अब भी वही, अब तो करना ही पड़ेगा, बच्चे भी डांटते कि मम्मी क्यों इसको परेशान कर रखा है आपने, बना वीडियो बोलते कि अरे क्यों बच्ची को इतने वो करवा रही है, तू बना क्यों नहीं लेती वीडियो। फिर मैंने सोचा कि ये तो छाती में मुक्का मार के फिर मेरे को एक कदम मुक्का मारना नहीं, वो मुक्का और जितनी मेरी वीडियोस होती है ना इंस्टाग्राम की, वो सब मेरे देवर ही शूट करते हैं, क्योंकि ये जाते हैं अभी स्कूल में, ये तो करते नहीं है, तो वो सारी वीडियो सब क्रेडिट मैं जितना भी देना चाहती हूँ इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, वो सारा मेरे देवर को दूंगी मैं। देखो सपोर्ट ये लोग करते हैं, लेकिन वीडियो भी तो कोई बनाता है ना, वीडियो भी तो मेरा देवर ही बनाता है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ मेरे घर में, वो मेरी ननद भी है और मेरा देवर भी है और मेरा भाई भी है। तो नेक्स्ट करेंगे फिर Q&A दोबारा, अब हम काट लेते हैं केक, काफी टाइम से रखा है, सोच रहा हूँ कब काटेंगे मुझे, तो अब हम इसे काट लेते हैं और फिर यहाँ पे आ जाएगी आपको केक कटिंग की रील। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? चलो एक साथ एक साथ, एक दो तीन चार, हैप्पी 10K जिसे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, केक नहीं भिजवा।